वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। मेरठ गढ़ रोड स्थित S2S कॉम्प्लेक्स में एक व्यक्ति द्वारा नमाज पढ़ने के बाद विवाद खड़ा हो गया। इसका वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू संगठन के कार्यकर्ता वहां पहुंच गए और उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। हिंदू जागरण मंच के महानगर अध्यक्ष सचिन सिरोही का कहना है कि धार्मिक गतिविधियों के लिए पहले से ही स्थान तय है। अगर ऐसे ही जहां मन आए नमाज अदा की जाएगी तो यह समाज हित में नहीं है। प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री ने इस आशय के आदेश भी दिए हुए हैं, लेकिन कुछ लोग इसे नजरअंदाज कर रहे हैं। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने सचिन सिरोही व उनके दो अन्य साथियों को हिरासत में ले लिया है। पहले देखिए सोमवार की सुबह का नजारा। सार्वजनिक स्थल पर हनुमान चालीसा का पाठ होने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सचिन सिरोही व अन्य को हिरासत में ले लिया। पुलिस वाहन में बैठे सचिन सिरोही ने यह कहा, जहाँ लेके जाए मैं जेल जाने को भी तैयार हूँ, अपने धर्म अपने समाज के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, समाज हित में तीसरी घटना हुई है। आपके आदेशों के बाद ये तीसरी घटना है। मेरा मानना सिर्फ इतना है कि ये या तो घटनाएं रोक दो, और अन्यथा आज मैं आया हूँ यहाँ हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए। कल को जो है हिंदू समाज भी जिस तरीके से ये विधर्मी नमाज पढ़ रहे हैं, साजिश का हिस्सा बना रहे हैं, बवाल करना चाह रहे हैं। मैं अकेला आया हूँ, दो लोग आए संगठन के, 2000 भी आएंगे, लेकिन मैं नहीं आया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ आप लोगों से, या तो आप अपने आदेश को पूर्णता कराइए। अन्यथा विधर्मी जिस तरीके से कर रहे हैं, ये अंजाम कल को मेरे घर के बाहर भी नमाज पढ़ेंगे, इसी तरीके से नमाज पढ़ेंगे जैसे यहाँ मॉल में पढ़ी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।